फूडीज़, वेलकम बैक टू फूड लव। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा रोस्ट मसाला। इसे मैंने स्लो कुकिंग मेथड से बनाया है। स्लो कुकिंग मेथड में आप जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं उसे बहुत ही हल्की गैस पे बनाते हैं, तो ये एक बहुत ही टाइम लेने वाली रेसिपी है, बट यकीन मानिए जब आप इसे हल्की गैस पे बनाते हैं तो इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो बिल्कुल ये डिज़र्विंग है कि इसमें आप टाइम लेके थोड़ा बनाएं, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए अंडे, और उसे मैं इस तरह से प्रिक कर लूँगी फोक की मदद से। आप चाहे तो टूथपिक से भी इसे प्रिक कर सकते हैं। तो मैंने सभी अंडों को अच्छे से प्रिक कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से इस मसाले को मिला लेंगे अंडे में और इसे रख देंगे। फिर हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। उसके बाद हम ये मसाले से कोट किया जो अंडे हैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो करीब 1-1.5 मिनट तक इसे मीडियम गैस पर फ्राई कर लें। तो ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये इसकी जो कोटिंग है वो क्रिस्पी हो चुकी है। अब मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैं डालूंगी करीब 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सरसों के तेल में बनाया है। सरसों का तेल जब गर्म हो जाता है तब हम उसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, 2 इलायची, थोड़ी सी सिनेमन, और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से पतला लंबा काट लिया है। और अब हम इसे हल्की गैस पे भून लेंगे। तो इसे हल्की गैस पे लगातार चलाते रहें जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, और फिर डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे हल्की गैस पे लाइट ब्राउन होने में। उसके बाद मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी तीखा आपको पसंद हो। अब हम इसे थोड़ा सा करीब 1/2 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे। गैस की फ्लेम को हल्का ही रखें वरना ये मसाले जलेंगे। तो मैंने करीब इसे 1/2 मिनट चला लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कप टमाटो प्यूरी। मिला लूंगी मैं इसे अच्छे से, और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर नमक। मैंने करीब 1 चम्मच नमक डाला है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मिला लेंगे इसको अच्छे से और इसे हल्की गैस पे पकने के लिए रख देंगे करीब 10 से 12 मिनट के लिए, और बीच बीच में से इसे चलाते ज़रूर रहें ताकि ये जो ग्रेवी है ये पैन से लगे ना। ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लगी है, बट अभी भी थोड़ा बाकी है क्योंकि इसने ऑयल नहीं छोड़ा है, तो हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है वरना ये ग्रेवी पैन से चिपकेगी। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। मिला लेंगे इसको अच्छे से। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बस इसमें चेंज इतना है इसे हमें हल्की गैस पे बनाना है। और आप देखेंगे सेम तरह से अगर आप सब्जी तेज गैस या मीडियम गैस पे बनाएंगे उसमें टेस्ट में बहुत फर्क आएगा। तो कभी इस तरह से हल्की गैस पे सिमर करते हुए इस ग्रेवी को ज़रूर बनाएं। उसके बाद मैंने डाला है करीब 4 से 5 बड़े चम्मच पानी। पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे ड्राई बनाया है। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी इसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें करीब 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाला है और मैं इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए और पका लूंगी।
उसके बाद मैंने यहाँ पे ये अंडे डाल दिए हैं इसमें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कुछ हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची तीखी नहीं है, तो आप जैसा आपको पसंद हो तीखा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाला है आधा नींबू का रस। नींबू का रस ज़रूर डालें, इससे जो स्वाद है सब्ज़ी का बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैंने करीब आधा नींबू का रस डाला है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग आया है। और मैंने ये ड्राई एग रोस्ट बनाया है। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसे पानी डाल के थोड़ा और आपको पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे करीब 1-2 मिनट के लिए और पका लिया था। और ये बन चुका है हमारा एग रोस्ट मसाला। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और फूड लव को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।